ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। जी हाँ, कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन जब प्रेम संबंध में पति पत्नी और कोई तीसरा भी आ जाए तो क्या से क्या हो सकता है, कहाँ नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 सच की आवाज। मामला बटाला के गांधी कैंप का है। यहाँ शीतल नामक विवाहिता 3 बच्चे की माँ का कत्ल उसके कुंवारे प्रेमी के द्वारा कर दिया जाता है। इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारी के द्वारा बयानों के आधार पर केस दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। फिलहाल कातिल प्रेमी फरार बताया जा रहा है। मृतक शीतल की दोस्त, जो कत्ल के समय शीतल के साथ थी, और कातिल प्रेमी सोनू ने उस पर भी वार कर जख्मी कर दिया। उसका कहना था कि देर रात वह शीतल गांधी कैंप में मौजूद थे, उसी समय सोनू वहां आया और उसने शीतल को थप्पड़ मार दिया। उसके बाद शीतल ने सोनू के घर शिकायत लेकर गई तो वहां सोनू ने तेजधार हथियार से शीतल पर कई जगह वार कर दिया और साथ ही उसके सिर पर भी वार कर दिया और खुद मौके से फरार हो गया। उसके बाद जख्मी शीतल को अस्पताल ले जाया गया और वहां से उसको अमृतसर रेफर कर दिया गया। यहां शीतल की मौत हो गई। वही मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि सोनू और शीतल के प्रेम संबंध थे। शीतल विवाहिता है और उसके 3 बच्चे हैं, लेकिन सोनू अभी कुंवारा है और देर रात इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और उसी के चलते शीतल अपनी एक महिला दोस्त के साथ सोनू के घर शिकायत करने गई तो वहां सोनू ने उन दोनों पर तेजधार हथियार से वार कर दिया, जिसके चलते शीतल अमृतसर अस्पताल में मौत हो गई। जिसके चलते जख्मी महिला दोस्त के बयानों के आधार पर केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर दी गई है। फिलहाल कातिल सोनू फरार है। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਜੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਸੋਨੂ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਤੇ ਭਗੌੜਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਪ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੂਜੀ ਮੈਨ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਤਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਲਾਮਾ ਦੇਣ ਆਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਅਲਾਮਾ ਦੇਣ ਆਈ ਆ ਤੇ ਸੋਨੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਾਤਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਾਤਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਨਦੀਪ ਹੋਸਪਿਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾਖਲ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰ, ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ 'ਚ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਸੋਨੂੰ ਮੈਰਿਡ ਹੈ? ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੈ? ਅਨਮੈਰਿਡ, ਅਨਮੈਰਿਡ। ਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ? ਸ਼ੀਤਲ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਜੀ। ਠੀਕ। ਕਿੰਨੇ ਨਿਆਣੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ? 3 ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ।